नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 मई बुधवार सुबह 11:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। गर्मी के मौसम में राजस्थान वासियों को बिजली पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा इन दोनों विभागों से जुड़े अधिकारियों के बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी है। उन्होंने ऊर्जा और पीएचईडी मंत्रियों को पानी बिजली की बढ़ती हुई मांग के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए प्रभावी प्रबंधन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्य सचिव को भी गर्मी के मौसम में बिजली की समस्याओं के निराकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सतत निगरानी और विभागों के मध्य समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राजस्थान में भजनलाल सरकार अब हर प्रदेश की राजधानी में राजस्थान भवन बनाने की योजना पर काम कर रही है। राजस्थान भवन बनाने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने हाल ही में घोषणा की है। पहले फेज में पड़ोसी राज्यों और प्रवासी राजस्थानियों की ज्यादा संख्या वाले राज्यों की राजधानियों में भवन बनाए जाएंगे। सीएम भजनलाल की घोषणा के बाद अफसरों ने इस स्कीम के आकलन पर काम शुरू कर दिया है। राजस्थान में टीबी रोग के उपचार में उपयोग में आने वाली सभी आवश्यक दवाइयों की सुचारू आपूर्ति की जा रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिवराज सिंह ने मंगलवार को यहां टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए बताया कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत क्षय औषधियों के केंद्र से आपूर्ति बाधित हुई थी, लेकिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने त्वरित प्रबंधन कर दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की है। राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में लू तापघात के प्रकोप के दृष्टिगत सभी चिकित्सा कार्मिकों के अवकाश निरस्त कर मुख्यालय पर ही रहने के लिए पाबंद किया है। विशेष परिस्थितियों में सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरांत ही कार्मिक अवकाश पर जा सकेंगे। अवकाश स्वीकृति की सूचना निदेशालय को आवश्यक रूप से देनी होगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभराज सिंह के निर्देश पर इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय ने एक परिपत्र जारी किया। राजस्थान में कोटा के जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने बिजली विभाग के अधिकारियों को विद्युत वितरण करने वाली कंपनी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए दिन में बिजली कटौती नहीं करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर गोस्वामी ने मंगलवार को एक बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि यदि अति आवश्यक हो तो सुबह एवं शाम के समय अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अनुमति से बिजली कटौती की जाए। एसपी ममता गुप्ता ने चौथ का बरवाड़ा थाना प्रभारी हरिमन मीणा सहित 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। एसपी कार्यालय की ओर से जारी किए गए आदेश में उनके खिलाफ विभागीय जांच को कारण बताया गया है, लेकिन जानकारी के अनुसार बजरी संबंधी मामले को लेकर कार्रवाई होना बताया जा रहा है। इसके साथ ही कार्य प्रणाली से क्षेत्रीय विधायक की नाराजगी भी मुख्य कारण बताई जा रही है। राजसमंद में कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में बुद्ध पूर्णिमा के दिन 23 मई को वन्यजीवों की गणना की जाएगी। ये गणना 23 मई को सुबह 8 बजे शुरू होगी और 24 मई को सुबह 8 बजे तक होगी। रावली, टाड़गढ़ और कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में 217 वाटर हॉल पर लगातार 24 घंटे की गणना की जाएगी। उपवन संरक्षक वन्यजीव सुदर्शन शर्मा के अनुसार इस बार की गणना में करीब 170 वनकर्मी, 70 वन प्रेमी और स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य भाग लेंगे। जोधपुर से चलने वाले साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में तकनीकी खराबी के कारण समदड़ी रेलवे स्टेशन पर करीब 3.25 घंटे तक खड़ी रही। इससे यात्रियों को भीषण गर्मी में परेशान होना पड़ा। जोधपुर से इंजीनियर बुलाने के साथ पावर कार को बदला गया। इसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। दरअसल ट्रेन के लाइट में खराबी के चलते लाइट कट की गई, इससे AC बंद हो गई थी। पावर कार बदलने में करीब 3.25 घंटे का समय लगा। पंजाब में जारी किसान आंदोलन खत्म होने के बाद उत्तर पश्चिम रेलवे ने 16 रद्द ट्रेनों का संचालन बहाल कर दिया है। इनमें राजस्थान की 10 ट्रेनें शामिल हैं। वहीं रैक की कमी की वजह से फिलहाल 4 ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द किया गया है। इनका संचालन भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। अंबाला मंडल के शंभू स्टेशन पर जारी किसान आंदोलन समाप्त हो गया। इसके बाद उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा पिछले लंबे वक्त से रद्द की जा रही ट्रेनों को फिर से संचालित करने का फैसला किया गया है। कोटा कमिश्नर उर्मिला राजौरिया ने मंगलवार को बूंदी के लाखेरी क्षेत्र का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कमिश्नर सबसे पहले देई खेड़ा अस्पताल पहुंची, जहां संसाधनों की कमी सामने आई। यहां अस्पताल में पर्याप्त बेड नहीं होने से मरीजों को परेशान होना पड़ रहा था। बाद में उन्होंने नया गांव मेज नदी स्थित फिल्टर प्लांट पर पानी की गुणवत्ता जांची। चित्तौड़गढ़ जिले में जल्द ही उचित मूल्य की दुकानों पर छोटे रसोई गैस सिलेंडर भी मिलेंगे। उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग को पूरा करने एवं ग्राहक सुविधा में सुधार के लिए प्रदेश में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ओर से 2 छोटे रसोई गैस सिलेंडर, 5 किलो का छोटू और 2 किलो का मुन्ना का वितरण करने का निर्णय किया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के उप शासन सचिव आशीष कुमार ने इस संबंध में सभी जिले के जिला रसद अधिकारियों को निर्देश दिए। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा ने बीटेक फाइनल सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम 7 दिन में घोषित किया। विश्वविद्यालय का दावा है कि प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में सबसे कम समय में अंतिम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम जारी करने का यह संभवतः पहला रिकॉर्ड है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर धीरेन्द्र माथुर ने बताया कि बीटेक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 9 मई को समाप्त हुई थी। उसके बाद सभी परीक्षा केंद्रों से उत्तर पुस्तिकाओं का संकलन, उनका सत्यापन करना, कोडिंग कर उन्हें मूल्यांकन के लिए तैयार करना, मूल्यांकन करवाना, 17 अंक आंतरिक मूल्यांकन, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के ऑनलाइन मार्क्स लेना, रिजल्ट प्रोसेसिंग, रिजल्ट टेस्टिंग, रिजल्ट डिक्लेरेशन कमेटी से रिजल्ट की जाँच करना इत्यादि प्रक्रियाएँ एवं गतिविधियों को बहुत अल्प समय में संपादित
करते हुए केवल 7 कार्य दिवस में परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। लोकसभा आम चुनाव 2024 की मतगणना के लिए सीकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी के ARO टीम को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 4 जून को मतगणना होगी। इसके लिए जिला निर्वाचन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। जिला साक्षरता अधिकारी राकेश कुमार लाटा ने बताया कि 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए 1300 से ज़्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। करौली जिला मुख्यालय पर इन दिनों बिजली व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। दिन में 8 से 10 घंटे तक बिजली के पोल रहने और दर्जनों बार ट्रिपिंग के चलते भीषण गर्मी में शहरवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि जिला मुख्यालय होने के बाद भी बिजली व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र से बुरी तरह स्थिति में है। शहरवासियों का आरोप है कि बिजली विभाग 5 घंटे मरम्मत के नाम पर कटौती करता है, उसके बाद भी दिन में दर्जनों बार ट्रिपिंग और 5-5 घंटे दिन और रात में बिजली बंद रहती है। दौसा जिले के सिकंदरा गांव में 52 पाड़ा रोड पर संचालित कोयला फैक्ट्री में अब काम नहीं होगा। यहां अवैध रूप से फैक्ट्री संचालन के विरोध में ग्रामीणों द्वारा पिछले 21 दिन से धरना दिया जा रहा था। इनकी मांग थी कि आबादी क्षेत्र में कोयला फैक्ट्री के संचालन से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। ऐसे में जब तक फैक्ट्री का संचालन पूरी तरह से बंद नहीं किया जाएगा तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।